हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे सो फ्रेंड्स आज है पाँच दिसंबर 2021 और आज की इस वीडियो हम लोग पाँच दिसंबर के दैनिक रोजगार समाचार को देखेंगे यहां पे आप लोग मुख्य खबरें देख सकते हैं इन सभी खबरों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे जैसे एन टी पी सी सी बी टी वन रिजल्ट डेट आ गई है और सी बी टी टू की भी जो है एग्ज़ाम डेट आ गई है दोनों के बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बाद विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियाँ हैं बी एड प्रवेश परीक्षा दो हज़ार बाईस के बारे में बात करेंगे फॉर्म कब आएगा उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पी जी प्रवेश जो है अगले सप्ताह से शुरू हो रहा है यू टेट एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे कब जो है टेट का एग्ज़ाम हो सकता है और बात करेंगे बीएड में प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है और कब बनाना पड़ता है प्रैक्टिकल फाइल चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको डेली ऐसी ही अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आइकन को ऑल पे प्रेस के लिए जगा। जो भी एजुकेशनल न्यूज रहेगी वो आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम मतलब से देखने को मिलेगी काफ़ी सारे YouTube पे कमेंट आ रहे थे और Instagram पे डायरेक्ट मैसेज आ रहे थे कि सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट गाइड बुक बता दीजिए जो आप लोग जो है चक्सू पब्लिकेशन की बुक से अपनी सुपर टेट एग्ज़ाम की प्रिपेशन कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग इसका कवर पेज देख सकते हैं इस तरह चक्सू पब्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा सुपर टेट एग्जाम के लिए इसमें जो है आपको पाँच प्लस क्वेश्चन और चार माह की समसाइकी दो हज़ार अठारह के जो है आपको हल प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेंगे ये जो पुस्तक है आपको हर मार्केट पे आसानी से मिल जाएगी आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं यहाँ पे नीचे इसमें सिलेबस भी दिया गया है तो चक्सू पब्लिकेशन की बुक है सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी दिया गया है कि किस वर्ष किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चार्ट में इसमें समझाया गया है तो अगर आप लोग टेट एग्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप लोग चक्सू पब्लिकेशन की बुक से जो है अपनी प्रिपेशन कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइड के अलावा जो है इनकी चक्सू पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के दे दी दें आप लोग परचेज कर सकते हैं सबसे पहले हम एन के बारे में बात करेंगे इसका जो सी बी का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो पंद्रह जनवरी दो को आ रहा है यहाँ पे, पे, पे देख सकते हैं आज ये नोटिस जारी की गई है पंद्रह जनवरी दो को इसका सी बी का रिज़ल्ट आ रहा है और सी बी का यहाँ पे डेट दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच जो है सी बी टू का जो है एग्ज़ाम चलेगा यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच सी बी टी टू का एग्ज़ाम होगा और 15 जनवरी 2022 को सी बी टी वन का रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है यहाँ पे देख सकते हैं आज ही ये नोटिस जारी की गई है 5 दिसंबर 2021 को रेलवे रिक्रूमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पर यह नोटिस जारी की गई है उसके बाद अब पी में प्रवेश के लिए नेट अनिवार्य होगा ठीक है बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पी में प्रवेश के लिए नेट अनिवार्य होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कल से शुरू होगी बी पी एड और एम पी एड की प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बी पी एड और एम पी एड में प्रवेश की प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू होगी 22 दिसंबर तक इसके तहत चलाने चलने वाले अलग अलग कार्यक्रमों की सूची शनिवार को जारी कर दी गई है इसमें 6 से 8 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा इसके बाद 9 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कल से स्टार्ट हो रहा है 6 दिसंबर से बी और एम का और छात्रावास के लिए जो है पंद्रह तक कर सकते हैं आवेदन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर चली लाठी कई चोटिल हो गए हैं कल जो है लाठियाँ बरसी हैं लखनऊ में यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में जो है बाईस हज़ार पदों को भरे जाने की मांग को के लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे अभ्यर्थी और शनिवार को जो है पुलिस ने जो है लाठी चार्ज कर दिया है कैंडल मार्च निकाल रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर अचानक हुए लाठी चार्ज से जो है तमाम अभ्यर्थी चोटिल भी हो गए हैं अगली खबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पद खाली हैं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग में यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या पाँच सौ चौवन ये इसकी वेबसाइट है आप लोग चेक कर सकते हैं ओके उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जनसंपर्क अधिकारी बनने का मौका है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कुल पद हैं छिहत्तर और ये इसकी वेबसाइट है आप लोग चेक कर सकते हैं न्यायिक क्षेत्र में कई पदों पर आवेदन का अवसर है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में बारह टोटल पोस्ट हैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट है आप लोग अधिक जानकारी के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय में जो है पीजी प्रवेश अगले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परा स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो है प्रवेश अगले सप्ताह से शुरू होंगे प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से 6 दिसंबर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी विभागों और संगठक महाविद्यालयों को पीजी के सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम भेज दिए जाएंगे तो कल से जो है इसके भी एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं पीजी के यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कॉलेजों के नाम भी दिए गए हैं उसके बाद हम बात करते हैं बी प्रवेश परीक्षा दो के बारे में मैं आपको बता दूँ इसका जो ऑनलाइन फॉर्म आएगा वो आपका आ जाएगा एक फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा एक फरवरी को और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा वो मान के चलिए कि 12 से 15 फरवरी के बीच में आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है स्टार्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम जो होता है अप्रैल से मई में होता है बट दो साल से नहीं हो रहा है कोविड की वजह से और इस बार भी नहीं होने का चांस है क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में साफ साफ दिया गया है कि जनवरी यानी कि नए वर्ष में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है भारी ठीक है तो ये भी डेट बढ़ सकती है बट आपको अगर बी एड करना ही है तो आपको तो तैयारी करना होगा और तैयारी में अभी से जुड़ जाइए अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो आपका अप्रैल से मई में आपका एग्जाम हो जाएगा हंड्रेड परसेंट ओके तैयारी कर दीजिए क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे और क्लासेस वगैरह रेगुलर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासेस स्टार्ट कर देता हूं और मैं आपको बता दूं बीएड में प्रैक्टिकल फ़ाइल कब बनाना पड़ता है जिन लोगों जैसे इस बार एडमिशन हो गया है 2021 बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया है बीएड में तो उनकी जो प्रैक्टिकल फाइल जो है कब बनती है जब आपका फ़र्स्ट सेमेस्टर अगर आपका सेमेस्टर वाइज से एग्ज़ाम हो रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है तभी आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी पड़ती है ईयरली बेस अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो जब आपका ईयरली एक एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिकल फाइल बना के जो है कॉलेज में सबमिट करनी पड़ती है प्रैक्ट प्रैक्टिकल फाइल कहाँ से बनानी पड़ती है तो जो बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ते हैं उसी में से चार से पाँच क्वेश्चन आपको एक लॉन्ग हो गया शॉर्ट हो गया ठीक है तो ऐसे ही आपको उसमें से तीन से तीन 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 क्वेश्चन लघुतरी हो गया अति लघुतरी हो गया तो ऐसे ही आपको बना लेना होता है ठीक है और उसी को जो है एग्जामिनर्स आते हैं उसी में से आपसे पूछते हैं जो सब्जेक्ट रहते हैं उन सभी सब्जेक्ट को आपके जो है बनाना पड़ता है और यूपी टेट जो आपका होगा अब जनवरी लास्ट में होगा उम्मीद तो नहीं दिख रही है साफ साफ गवर्नमेंट की तरफ से भी बयान आया है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी लास्ट में होगा ठीक है सो so फ्रेंड्स आज की यही थी अपडेट्स पाँच दिसंबर की यहाँ पे देख सकते हैं सारी अपडेट्स हो गई हैं ख़त्म कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो पे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और काफ़ी सारे लोगों का जो है कमेंट आया करता है जैसे हमारा इस बार ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है क्या हम बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं बिल्कुल अगर आपका इस बार फाइनल ईयर है यानी कि थर्ड ईयर है तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थैंक यू